शिलान्यास उद्घाटन से परेशान गांधी सेतु चढ़ा नेताओं के भ्रष्टाचार भेंट। गडकरी के आने पर चमकने वाली सड़क का देखिए स्थिति। बिहार में सड़क दुर्घटना अब आम बात हो गई है। भले ही बिहार सरकार प्रदेश के शहरों की बेहतर स्थिति की बात करे, मगर मिलेगी बदतर ही। नेताओं पदाधिकारियों की लूट खसोट और लापरवाही के कारण शिलान्यास और उद्घाटन से परेशान महात्मा गांधी सेतु के कुछ जगह विकराल गड्ढे होकर बड़ी खतरों को हमेशा आमंत्रित करती रहती है, जिससे दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं का शिकार यात्रियों को खासकर मोटरसाइकिल चालकों को होना पड़ता है। बता दें कि कुछ ही दिन पूर्व गांधी सेतु के पूर्वी लेन के उद्घाटन में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तत्कालीन बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन सहित कई दिग्गज उपस्थित हुए थे। उस वक्त यही गांधी सेतु और यही सड़क चमचमाती नजर आ रही थी। देखिए उसी गांधी सेतु की वह तस्वीर जहां बीते 24 घंटे में 3 से भी ज्यादा दुर्घटनाएं हुई है, फिर भी प्रशासन मौन है। उद्घाटन और शिलान्यास से परेशान महात्मा गांधी सेतु के अप्रोच पथ के पास हम मौजूद है। और महात्मा गांधी सेतु मतलब नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की प्रमाण के आधार पर ही महात्मा गांधी सेतु इस पुल का नाम पड़ी होगी कि कम से कम जितनी ईमानदारी से महात्मा गांधी ने देश सेवा किया, जितनी ईमानदारी से महात्मा गांधी ने राष्ट्र सेवा किया, शायद बिहार के नेता भी उतनी ही ईमानदारी से राष्ट्र सेवा करेंगे, शायद इसीलिए इसका नाम महात्मा गांधी सेतु पड़ा है। लेकिन सेतु से लगभग 100 मीटर भी करीब हम खड़े हैं, जहाँ के बीच रोड की स्थिति ये दिखाइए कि इस गड्ढे में हम खड़े हैं। ये गांधी सेतु का गड्ढा है जो 1 फीट सर गहरा हो चुका है। जब बिहार में बाढ़ आती है और जब पूरी सड़कों जब पानी भरती है तो जो सड़क है इसकी क्या स्थिति होगी आप कल्पना कर सकते हैं। अभी ये सामने से जो बस आ रही है, जब बस देखिए जब गड्ढे में पड़ेगी तो क्या स्थिति होगी और किस प्रकार से जो सारे पैसेंजर है, जो लोग हैं, उनकी जान हमेशा खतरे में पड़ी रहती है और हमेशा कहीं ना कहीं ये जान शाश्वत रहती है। क्योंकि आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 24 घंटा के अंदर इस गड्ढे के कारण सिर्फ 3 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी है। 3 घटनाएं सिर्फ मेरे संज्ञान में है, बाकी कितनी घटनाएं हुई होगी यह हम नहीं बता सकते हैं। फिर इसको तस्वीर को दिखाइए और एक तरफ दूसरी तरफ दिखाइए कि यह जो तस्वीर इधर इंडस्ट्रीज एरिया नजर आ रहे हैं, यहीं पे अभी से कुछ महीना पहले देश के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, उस तत्कालीन बिहार राज्य के पथ निर्माण मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री, सभी लोगों ने मात्र यहाँ से 100 मीटर दूरी पर ही खड़े होकर के इसी महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन का उद्घाटन किया था। लेकिन उस समय जब उद्घाटन की बात थी उस समय आप इसी रोड की स्थिति देख रहे थे कि इसी रोड की कॉन्क्रीटिंग करके क्या से क्या स्थिति बना गई थी। इस रोड को ऐसा बना दिया गया था कि मानिए कि बिल्कुल एकदम नया रोड है, लेकिन हकीकत यह है कि वो रोड उतनी भी पुरानी, उतनी उससे भी ज्यादा पुरानी है कि इसमें चलना मुश्किल हो जाएगा। यदि बड़ी बड़ी गाड़ियां जो गुजर रही है उसको, तो बड़ी गाड़ियां है आप देख सकते हैं, वो भी स्लो होके जा रहे हैं, लेकिन यदि बाइक की बात की जाए, जैसे ही आप गांधी सेतु से आएंगे कुछ दो 100 मीटर पार आप करेंगे, बगल में गंगा ब्रिज थाना है और गंगा ब्रिज थाना के कुछ ही बगल में पहले या बीच सड़क पे ही आपको गड्ढा दिख जाएगा जो आपकी जान फंसा देगी, जो आपकी सांसें फंसा।